हाँ, मर्द होने के नाते, बोले मर्द होने के नाते मर्द रो नहीं सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते थे, बार बार रोते थे, जगह जगह आप रोए, रात में आप नमाजों में रहे, दुआओं में आप रोए, लोग आके आपसे सवालात की तो रोए। एक सहाबिया का, अल्लाह के रसूल मैंने अपने 3 लड़कियों को दफना दिया था ईमान लाने से पहले, और वो भी रो रहे, आप सब भी रो रहे, फला मौके पर रो रहे, यहाँ आपने रोए, वहाँ आपकी आंखें भाई, यहाँ आपने आंसू बहाए, वहाँ आपको रोते हुए देखा गया, ये जंग से पहले आपने किया, इतने जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, तो कौन कह रहा है कि एक मर्द रो नहीं सकता? इसलिए एक बार तो सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए देखा, तो अल्लाह के रसूल आप रोते, ये तो रहम की अलामत है कि कोई इंसान की आंखों से आंसू निकले। ठीक है, हमने पता नहीं क्या मिसाली शौहर की क्या क्या एग्जांपल्स और कहां कहां से लाके सेट कर लिया, और किस गौटी ने ये बताया मुझे समझ में नहीं आता। लेमैन जंगली और जाहिल ने बता दिया आपको कि ये नहीं अलामत, ये नहीं अलामत, ये नहीं अलामत। अपने डिजाइन अपने तौर से मत करो, अपने माशरे के एतबार से मत कैसा हो, डिजाइन मत करो, शौहर ऐसा हो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखना, ये है मिसाली शौहर, ऐसा होता है एक शौहर, ऐसा रहना चाहिए मैंने और आपने, जहां तक हो सकता मैक्सिमम पॉसिबल वो चीजें देने की कोशिश करना चाहिए। आगे आगे बढ़ते आइए।